अच्छा, आप कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए जी। सर, हमारे कहने का मतलब है, समझे, कि पिछली सरकारों ने जो है बहुत बेकार किया। अच्छा, क्या बेकार किया है? बेकार नंबर वन, अच्छा, रोड का हाल देख लीजिए आप, यहाँ नहीं कहीं भी इस दस टोला में, इस इलाके में जी, रोड का हाल देख लीजिए, कुर्सी कुमार ने क्या किया। और सवाल नंबर दो, जब आप मुख्यमंत्री हैं ना, आप मुख्यमंत्री है मानता हूँ मैं, लेकिन जब आपके राज में आपके नाक के सामने जब आपने कानून लगा दिया मोहर कि भाई शराब बंद हो गया, लेकिन फिर शराब चल क्यों रहा है? मैं मनी से ये जानना चाहता हूँ। और नंबर तीन, विद्यार्थी लोग शिक्षा को बर्बाद कर रखा है, विद्यार्थी लोग डिग्री करके बैठा है और शराब को देखिए घर घर शराब मिल रहा है, जाके कहीं देखिए आप जैसे, ऐसा क्यों? हमें जानना चाहेंगे आप मंत्री जी से, आपके माध्यम से। एक चीज हम आपसे पूछ रहे हैं कि जरा नीतीश सरकार के द्वारा शराब पे पाबंदी लगाया गया है, सही बात है, पर एक चीज बताइएगा हमें, जब कोई भी पुलिस प्रशासन आता है, कुछ दिन पहले भी यहाँ चेकिंग करने को आए हुए थे वोटर से रिलेटेड, कि यहाँ पे शराब वगैरह या किसी को दबाव में वोटिंग तो नहीं हो रहा, तो आप उस टाइम ये जवाब दिए थे? सर जी, मेरे से कोई भेंट नहीं किया, मैं तो आंख से अंधा हूँ ना। नहीं नहीं, अब वो थोड़ी ना नेता है कि सबसे मिलते हुए जाएंगे, हम तो समझ रहे हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, हमें जो आया हुआ है कोई जैसे कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन तो सबको मिलती है जब वो लोग आते हैं, ऐसा कुछ था मेरे पास। लेकिन सर एक है ना, अच्छा, शराब कौन बेच रहा है, उनका नाम बता सकते? अब नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन घर घर है, घर घर है, वो नहीं मायने ना, सबूत घर है, नाम नहीं कहेंगे हम सर, क्योंकि नाम बोल, शराब बेचने, शराब बेचवा रहा है नीतीश कुमार, यूं समझिए नीतीश कुमार अपना घर का फैक्ट्री बनवाते हैं। अरे छोड़िए ना, पुलिस का कमाई बढ़ा रखा है, समझे, पुलिस का कमाई तो हमेशा बढ़ा ही रहता है। आप बताइए कि आपके गांव में दारू मिलता है, शराब मिलता है, देसी शराब मिलता है, कुछ भी मिलता है सर, 17 तो बता सकते हैं कि किनके घर में? 17 जगह से नहीं मतलब है, हम देखते नहीं कौन क्या, लेकिन 17 जगह मिल रहा है, देखिए आप। अच्छा, वो चीज छोड़िए, आप बताइए कि आप अभी किन को वोट दिए जी? आप वोट क्या सोच के आरजेडी को वोट दिया? आरजेडी को क्या सोच के वोट दिया हमने? इसका जो ये भ्रष्टाचार खत्म हो, किस चीज का भ्रष्टाचार? नीतीश कुमार जो है ना, नीतीश कुमार कुर्सी छोड़े। अच्छा, क्योंकि रोड लगता है कि ये दो सीट जीतने से नीतीश कुमार का सरकार चल जाएगा, बिल्कुल, कैसे थोड़ा खत्म है बताइएगा थोड़ा, क्योंकि हमने न्यूज पे बहुत सुनते हैं सर हम। अच्छा, क्या सुने थे न्यूज पे आप? सुनते हैं कि जगह जगह रेप, मर्डर, अपहरण, फलना चिलना, ये वो बहुत सारी बातें हो रही हैं। सबसे ज्यादा अपना इंडिया में तो दिल्ली में रेप होता है। एक लाइन, एक गीत है मेरे पास, समझे, जो मैं देने जाऊंगा आपको सामने में। अरे के ना बनते पुआ पूरी, नहीं छे घर में राशन, ए नीतीश जी, के ना बनते पुआ पूरी, नहीं छे घर में राशन, ए नीतीश जी, आ कहाँ गेला तोहर सुशासन, ए नीतीश जी, अजी के ना बनते पुआ पूरी, नहीं छे घर में राशन, ए नीतीश जी, कहाँ गेला तोहर सुशासन, ए नीतीश जी, आ 15 साल के जंगल राज से मुक्ति तुई दिल लो, 3 महीना में तुई शासन के सपना देख लो, असबा साल में कुछ नहीं कैल हो, बैठी के सिंहासन, ए नीतीश जी, अहो सबा साल में कुछ नहीं कैल हो, बैठी के सिंहासन, ए नीतीश जी, कहाँ गेला तोहर सुशासन, ए नीतीश जी, होइए रहल छे मर्डर, अपहरण, रंगदारी, आ खुल्ला ढाकर जैसन घूमे अभियो भ्रष्टाचारी, FIR भी नहीं लिखे पर शासन, ए नीतीश जी, कहाँ गेला तोहर सुशासन, ए नीतीश जी, काम न चल तो खाली जनता दरबार लगैला से, हो तो नहीं विकास खाली शिलान्यास कैला से, अरे नहीं छे रोड, नहीं छे बिजली, आहो नहीं छे रोड, नहीं छे बिजली, छुच्छे तो हर भाषण,
ए नीतीश जी कहाँ गेला तोहर सुशासन, ए नीतीश जी कहाँ गेला तोहर सुशासन, ए नीतीश जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, आपको आपको क्या लगता है कि इस बार यहाँ पे जो उपचुनाव हो रहा है, यहाँ पे किनका विजयी ट्रॉफी किनके हाथ में जाएगा, मतलब किनका सीट यहाँ पे आएगा? गणेश भारती पक्का? आपको पक्का?